उस वायर को वाइब्रेट करना है विद दी ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 फिफ्टी हर्ट से तो हमें टेंशन किस हिसाब से वेरी करवानी पड़ेगी तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी होती है उसका रिलेशन टेंशन के साथ हमें दिया होता है टी बाय म्यू वे टी क्या है टेंशन और जो म्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ है तो जो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है v बाय लेमडा यानी जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली जो वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो रूट ऑफ टी के होती है तो यहाँ से आ गया कि फ्रिक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहले सोनोमीटर वायर दिया था उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी है दे रखी हमें थ्री ट्वेंटी हर्स k इंटू रूट ऑफ टी ऐसे ही सिमिलरली एफ़ जो हो जाएगी वो मैं दे रखी टू फिफ्टी सिक्स हर्ज और उसमें कुछ टेंशन चेंज होके के रूट टी टू हो जाएगी तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन वन इसको मानते हैं इक्वेशन टू अब इक्वेशन टू को डिवाइड करते हैं इक्वेशन वन से तो आता है हमारे पास रूट टी टू बाय रूट टी वन इज़ इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स बाय थ्री ट्वेंटी हर्स स्क्वायरिंग करते हैं तो टी टू जो इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा टी वन इंटू टू फिफ्टी सिक्स बाय थ्री ट्वेंटी का स्क्वायर इक्वल्स टू हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी सिक्स बाय थ्री ट्वेंटी का स्क्वायर तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट फोर के जी तो टेंशंस में कितना चेंज आया वो निकालते हैं टी वन माइनस टी इक्वल्स टू टेन माइनस सिक्स फोर के जी इक्वल्स टू आ गया थ्री पॉइंट सिक्स के जी तो कौन सा ऑप्शन आ गया ए यानी थ्री पॉइंट सिक्स के जी क्या बकचोदी है